नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार ने एक फैसला सुनाया। ये फैसला था अनुपयोगी सांडों की नसबंदी से जुड़ा हुआ। हालांकि शिवराज सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई जाने लगी। नतीजा, महज 24 घंटे के अंदर ही इस आदेश को वापस ले लिया गया। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा भी इस फैसले से असंतुष्ट नजर आईं। उन्होंने आदेश को साजिश बताते हुए कह दिया कि वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग करेंगी। बता दें, मंगलवार को पशुपालन विभाग ने अनुपयोगी सांडों की नसबंदी का आदेश जारी कर दिया था। इसके ठीक बाद से ही इसको लेकर विरोध शुरू हो गया था। कुछ ऐसा ही विरोध साध्वी प्रज्ञा ने भी दर्ज कराया था। साध्वी प्रज्ञा ने सीएम शिवराज और पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल से इस आदेश को वापस लेने की मांग की थी। साध्वी प्रज्ञा ने इसे साजिश बताया था और इससे गौवंश के खत्म होने का अंदेशा जताया था। विवाद बढ़ता देख शिवराज सरकार ने महज 24 घंटे के अंदर इस फैसले को वापस ले लिया। खुद इस पूरे मामले को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने जानकारी दी और कहा कि इस घटनाक्रम पर उन्होंने मुख्यमंत्री और पशुपालन मंत्री से बात की। इसके बाद ये आदेश वापस ले लिया गया। अब उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने की भी मुख्यमंत्री से अपील की है। हालांकि मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर जो कुछ भी हुआ उसने विपक्ष को राजनीति करने का मौका दे दिया। 24 घंटे के इस पूरे घटनाक्रम को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने सवाल उठाए। सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने कहा, पहले शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए होने वाली मीटिंग रद्द कर दी गई, अब 24 घंटे के अंदर इस आदेश को भी वापस ले लिया गया। ये सरकार चल रही है या फिर सर्कस चल रहा है? मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले पर, फिर बाद में इसे वापस लिए जाने के फैसले पर और साध्वी प्रज्ञा के बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।